तो देखिए, बीजेपी की पहली लिस्ट में बंगाल की 42 में से 20 सीटों पर नामों की घोषणा कर दी गई है। इसमें आसनसोल से भोजपुरी गायक पवन सिंह और बालूरघाट से वेस्ट बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार को उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं लॉकेट चटर्जी की बात करें तो इस बार भी हुगली से उन्हें ही उम्मीदवार बनाया गया है। फिलहाल बशीरहाट सीट से उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया गया है। जिस संदेश खाली को लेकर के बंगाल में राजनीति गरमाई हुई है वो बशीरहाट लोकसभा में ही आता है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल में ही थे। संदेश खाली को लेकर के ममता सरकार पर उन्होंने कैसे निशाना साधा, देखिए इस रिपोर्ट में। जय श्री राम का नारा लगाया, टीएमसी का मतलब समझाया। टीएमसी का मतलब है तू मैं करप्शन ही करप्शन। संदेश खाली का मुद्दा उठाया। संदेश खाली की बहने इंसाफ की गुहार लगाती रही, लेकिन टीएमसी सरकार ने उनकी एक नहीं सुनी। और इस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल की चुनावी राजनीति में विजय का रोड मैप बीजेपी कार्यकर्ताओं को बताया। एक बार एनडीए सरकार 400 पार। प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन बंगाल के दौरे पर रहे, बंगाल को हजारों करोड़ की सौगात दी, 2 रैलियां की और दोनों रैलियों में संदेश खाली के बहाने भद्र लोक की आने वाली जुबानी राजनीति का साफ संदेश दे दिया है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने मां माटी और मानुष का नारा लगाकर यहां की माताओं बहनों का वोट लिया, उनको गुमराह किया, लेकिन आज मां माटी और मानुष सभी टीएमसी के कुशासन में रो रहे हैं। संदेश खाली की बहने इंसाफ की गुहार लगाती रही, लेकिन टीएमसी सरकार ने उनकी एक नहीं सुनी। जिस संदेश खाली को लेकर बंगाल में बवाल है, संदेश खाली के जिस बवाली शेख को लेकर दीदी के सियासी दुर्ग की दीवारें कांपने का इशारा दे रही हैं, वही संदेश खाली 24 के चुनाव में भगवा पताका वाली पार्टी की चुनावी राजनीति का केंद्र बिंदु बनेगा, ये तय हो गया है। राज्य सरकार तो चाहती नहीं थी कि संदेश खाली का गुनहगार कभी गिरफ्तार हो, लेकिन ये तो बंगाल की नारी शक्ति दुर्गा बनकर खड़ी हो गई। भाजपा का एक एक कार्यकर्ता उनके साथ खड़ा हो गया, तब मजबूरन इस राज्य सरकार को झुकना पड़ा। बंगाल की बड़ी लड़ाई है, लिहाजा प्रधानमंत्री के तरकश में वो हर तीर थे जिससे टीएमसी को टारगेट किया जा सकता था। प्रधानमंत्री ने संदेश खाली पर ममता सरकार को घेरा तो करप्शन के मुद्दे पर ममता बनर्जी की पूरी पार्टी पर निशाना साधा। टीएमसी माने विश्वासघात, अवताचार, टीएमसी माने भ्रष्टाचार, परिवारवाद। टीएमसी बंगाल के लोगों को गरीब बनाए रखना चाहती है ताकि उसकी राजनीति चलती रहे, उसका खेल चलता रहे। प्रधानमंत्री 2 दिन बंगाल में रहे, हुगली और नादिया में रैली की और दोनों रैलियों में एक बार फिर 400 पार का नारा लगाया। लेकिन सवाल ये है कि ये कैसे होगा? क्या बंगाल में बीजेपी बड़ी जीत हासिल कर सकती है?
2019 के मुकाबले बीजेपी का स्ट्राइक रेट बढ़ सकता है। क्या बीजेपी बंगाल की 42 में से 35 सीटें जीत सकती है? ये सवाल इसलिए क्योंकि बीजेपी ने बंगाल में इस बार 35 पार का टारगेट तय किया है, लेकिन जिस बंगाल में करीब डेढ़ दशक से ममता बनर्जी का एक छत्र राज है, पूरब के उसी सूबे में बीजेपी की राह क्या इतनी आसान रहने वाली है? जानने के लिए भद्रलोक की राजनीति को समझना जरूरी है। बंगाल जो आज सोचता है, देश उसे कल सोचता है। स्वतंत्रता सेनानी और सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले ने पश्चिम बंगाल को लेकर ये कहावत करीब एक सदी पहले कही थी, लेकिन 21वीं सदी के 24वें साल के चुनाव तक आते आते बंगाल की सोच और बंगाल की राजनीति बहुत बदल चुकी है। लेकिन क्या यही वजह है कि बीजेपी बंगाल में बड़ी विजय की उम्मीद लगाए हुए है? दो हजार 17 का साल और अप्रैल का महीना, रामनवमी का त्योहार था, जब कोलकाता से सिर्फ 35 किलोमीटर के फासले पर चंदन नगर नाम के कस्बे ने नया रिवाज देखा। बंगाल में पहले भी रामनवमी होती थी, लेकिन ऐसी न होती थी। चंदन नगर ही नहीं, आसनसोल और बीरभूम से कोलकाता तक बंगाल की सड़कों पर ऐसे नारे पहली बार गूंजे थे। और यहीं से बंगाल की राजनीति का नया दौर शुरू हुआ, एक ऐसा दौर जिसने बीजेपी की राजनीति को बंगाल में फर्श से अर्श पर पहुंचा दिया। खास बात यह है कि बंगाल की सड़कों पर उतरी भीड़ ने बीजेपी के समर्थन में एक भी नारा नहीं लगाया, लेकिन देश के पूरब वाले छोर पर वोटों का ध्रुवीकरण हो चुका था और इसके सिर्फ 2 साल में बीजेपी दीदी के सियासी किले के गले तक पहुंच चुकी थी। 2019 में लोकसभा चुनाव हुए तो बंगाल की 42 सीटों में से बीजेपी ने 18 सीटें जीत ली, टीएमसी को 22 सीटें ही मिल पाई, जबकि इससे ठीक 5 साल पहले 2014 में बीजेपी को सिर्फ 2 सीटें मिली थी, जबकि टीएमसी ने 34 सीटों पर जीत हासिल की थी। 2014 को बीते 10 साल तो 2019 को बीते 5 साल हो चुके हैं। अब 24 की चुनौती है। सवाल यह है कि बीजेपी का बंगाल विजय प्लान क्या है? जवाब है महिलाएं और नौजवान। भाजपा पश्चिम बंगाल में स्वास्थ्य सुविधा के लिए, नौजवानों के भविष्य के लिए प्रतिबद्ध है, इसलिए यहां स्वास्थ्य सेवाएं सुधारने के लिए हम निरंतर काम कर रहे हैं। देश में जब से मेडिकल कॉलेज बनने शुरू हुए हैं, तब से लेकर 2014 तक पश्चिम बंगाल में सिर्फ 14 सरकारी मेडिकल कॉलेज थे। बीते 10 वर्षों में सरकारी मेडिकल कॉलेज की संख्या 26 यानी लगभग 2 गुनी हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं की बात की, नौजवानों का जिक्र किया और इशारा दिया कि 24 में बंगाल में यही बीजेपी का कोर वोटर हो सकता है। देश में करीब 97 करोड़ वोटर हैं, जो 2019 के मुकाबले 6% ज्यादा हैं। कुल वोटर में 49 करोड़ 70 लाख पुरुष और 47 करोड़ 10 लाख महिला मतदाता हैं, जबकि 1 करोड़ 85 लाख वो मतदाता हैं जो पहली बार वोट देंगे। सवाल ये है कि इसमें बंगाल कहाँ है? जवाब यहाँ है। देश में पहली बार वोटरों की संख्या सबसे ज्यादा बंगाल में ही बढ़ी है। चुनाव आयोग के मुताबिक बंगाल में 20 लाख से ज्यादा नए वोटर शामिल हुए हैं। बीजेपी का मानना है कि पहली बार के मतदाता
प्रधानमंत्री मोदी के जबरदस्त समर्थक होते हैं। इसके साथ ही बीजेपी का फोकस उस कोर वोटर को साधने पर भी है जिसने बंगाल में हाशिए पर रही बीजेपी को सियासी बुलंदी पर पहुंचाया। लेकिन वो वोटर कौन है? वो वोटर है बंगाल का मतुआ समुदाय, जो आजादी के बाद ईस्ट पाकिस्तान से आए थे, तब बांग्लादेश नहीं था। बंगाल के कई जिलों में मतुआ समुदाय निर्णायक भूमिका में हैं। बंगाल में बीजेपी का सियासी ग्राफ बढ़ाने में मतुआ समुदाय का अहम रोल रहा है। बीजेपी को बंगाल में 2 से 18 सीट तक पहुंचाने में मतुआ समुदाय की अहम भूमिका थी। लेकिन 2024 में मतुआ का मूड क्या है? 2021 के विधानसभा चुनाव से पहले 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान मतुआ समाज ने बीजेपी को एक मुश्त वोट दिए थे, जिसमें बीजेपी ने CAA कानून लागू करने का वादा किया था। इसीलिए बीजेपी अपने इस कोर वोटर को फिर से साधने में कोई कसर नहीं रखना चाहती। यही वजह है कि CAA का मुद्दा फिर से गर्मा उठा है। बंगाल में करीब 17% मतुआ समुदाय के लोग हैं। नदिया, नॉर्थ 24 परगना और साउथ 24 परगना में मतुआ समुदाय की सबसे ज्यादा आबादी है। लोकसभा की 10 से 20 सीटों पर मतुआ वोटर असरदार हैं। केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर मतुआ समुदाय से ही आते हैं, जिन्होंने पिछले महीने एक हफ्ते में CAA लागू होने की बात कहकर सनसनी मचा दी थी। ये और बात है कि शांतनु ठाकुर ने बाद में खेद जताया था, पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहले ही अपने भाषणों में CAA के ऐलान की बात कह चुके हैं। मगर मैं आज इस सभा में कह कर जाता हूं, ममता दीदी, CAA देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता और हम CAA को लागू कर रहे हैं। माना जा रहा है कि CAA को लोकसभा चुनाव से पहले लागू किया जा सकता है, जिसके बाद से कई राज्यों में हलचल है। खास तौर से असम और बंगाल में इसे लेकर राजनीति तेज होने के आसार हैं। लेकिन बंगाल विजय के लिए बीजेपी कोई कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहती। इसका सियासी नफा नुकसान क्या होगा, ये तो चुनाव बाद ही पता चलेगा। पर इतना जरूर है कि बंगाल की चुनावी जंग बेहद दिलचस्प रहने वाली है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।